गीजा का पिरामिड दुनिया का सातवां अजूबा है, जो इजिप्ट में 4500 सालों से ज्यों का त्यों खड़ा है, जिसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। इन पिरामिडों का आसमान के तारों से इतना सटीक एलिमेंट का होना, इतना ही नहीं इसके अंदर बने कमरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यही नहीं, पिरामिडों में तो आश्चर्य ही आश्चर्य भरे पड़े हैं। आश्चर्य में डालने वाला पहला आश्चर्य, ये पिरामिड देखने में आपको पिरामिड या मकबरे जैसे लगते होंगे, मगर इन्हें मकबरे न मानकर पिरामिड की तरह देखें तो हमें एक और खास चीज मिलती है। इनमें पावर प्लांट की तरह एनर्जी पैदा करने की काबिलियत थी। इन पिरामिडों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे इतिहास को एलियन के द्वारा बदला गया है। गीजा के पिरामिड को देखकर इन बातों में सच्चाई भी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका वनिस, स्वागत है आपका वनिस चैनल में। तो चलिए दोस्तों अनुभूति करते हैं। ये वही गीजा का पिरामिड है जो 4500 सालों से आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। वैज्ञानिकों को लगता था कि पिरामिड के किंग चेंबर और किंग चेंबर से लेकर सब कुछ जान लिया था, मगर जब 1980 में एक्सरे वेव डाली गई तो हमें पता चला कि किंग चेंबर और किंग चेंबर के अलावा भी कुछ हिडन चेंबर हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि ये वही चेंबर है जहाँ पर प्राचीन काल से पिरामिड के कई सारे राज दबे हैं। उस चेंबर तक पहुँचने का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि एक मोटी बिल्ली भी उससे नहीं घुस सकती थी। ठंड रख बता रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। फिर वैज्ञानिकों ने 5 साल की कड़ी मेहनत से एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया, जिसे 1993 में उस सुरंग के अंदर भेजा गया। तो वो कैमरा आगे चलकर रहस्यमय तरीके से रुक गया। कुछ फील हुआ ना? सुनो, अब वो बात ऐसी है ना कि उसके अंदर एक पत्थर के दरवाजे टाइप का स्लैब आ जाता है, जिसमें 2 छोटे-छोटे छेद थे। यही तो है गीजा की मिस्ट्री। अच्छा, ये सीन तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? 2012 में आई मूवी प्रोमेथियस जैसा, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट अर्थ से बाहरी जीवन के तलाश में अपनी स्पेसशिप के साथ प्लैनेट मार्स पर जाते हैं। रिसर्च के दौरान जब उस अंधेरी गुफा में जाते हैं तो उन्हें एक गुप्त रहस्यमय दरवाजा मिलता है, जिसकी भाषा इजिप्ट के पिरामिड से काफी मिलती थी, मगर उनके अल्फाबेट के पैटर्न कुछ अलग ही तरीके के थे। देखकर हैरान रह जाओगे। सिंबल तो कुछ इस तरह के थे मानो कि पहली बार देखे जा रहे हो। इन्हीं पैटर्न और एलियन वॉच के कॉम्बिनेशन से दरवाजे को खोला जा सकता था। इस टीम में हुबहू इंसानों की तरह एक मिलता जुलता रोबोट भी साथ में था। वो रोबोट उस दरवाजे को खोल सकता था। जब उस दरवाजे को खोला गया तो सभी लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ इसी तरह की चीजें गीजा के बंद पिरामिड के अंदर भी मौजूद थी। वो क्या है जानना चाहोगे? आफ्टर लाइफ के संकेत। इस स्लैब की वजह से कैमरा आगे नहीं जा सकता था, इसी वजह से कैमरे को वापस पीछे कर लिया गया। मगर रास्ते को बना के बंद करने का क्या राज रहा हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इसे जानबूझकर बंद किया गया है, मगर वहाँ के लोग ये मानते थे कि इस रास्ते से गुजरकर रानी आत्माओं की दुनिया जाती थी। अगर ऐसा ही था तो रास्ते को बंद क्यों किया? इस तरह का दरवाजा गीजा के पिरामिड में ही क्यों है, अन्य पिरामिड में क्यों नहीं? फिर से इसे जानने के लिए मई 2011 में एक टीम ने इस स्लैब एयरसॉफ्ट के आगे देखने का फैसला लिया। इस बार टीम ने रोबोट में माइक्रोस्नेक कैमरा लगाकर भेजा। अब ये रोबोट उस छेद के अंदर देख सकता था। फिर क्या था, जैसे ये रोबोट ने कैमरे को उस छेद के अंदर डाला तो उन्हें एक हिडन छिपा हुआ कमरा मिला। अच्छा, फिर तो जरूर उस कमरे में कोई खजाना या खजाने का रास्ता मिला होगा। अगर ये दो चीजें नहीं मिली होंगी तो फिर तो पक्का है ये दो चीजें जरूर मिली होंगी, पुराने जमाने की कलाकृतियां या फिर ताबूत। मिले थे ना वन्नी जी? बोलो ना प्लीज। खामोश, वहां कुछ भी नहीं था। उन मुंजियों ने उस कमरे में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। इजिप्शियन मानते थे कि पिरामिड मकबरे हैं, जिसका सामान एक जमाने में लूट लिया गया था। 20वीं सदी में रखे जब इन सार्कोफिगस को खोला गया तो वो पूरी तरह से खाली थे। यहाँ तक कि मिस्र के किसी भी पिरामिड में ना ही कोई मम्मी मिली और ना ही कोई ताबूत। अगर ग्रेट पिरामिड एक मकबरा नहीं था तो उसका असली मकसद क्या था? जब कैमरे ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके सामने 2 मेटल या कॉपर की रॉड थी जो दीवार से अटैच थी। जब कैमरे को जमीन की ओर घुमाया गया तो वहाँ लाल रंग के निशान थे।
और ये निशान इलेक्ट्रिक सिंबल के थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्हीं रास्तों से पिरामिड में बिजली दौड़ा करती थी। अब तो आप जान गए होंगे ना कि ग्रेट पिरामिड मकबरे ही नहीं थे। अगर पूरी दुनिया की सेंटर की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ गीजा का पिरामिड बना है। इन पिरामिडों को बहुत ही सटीक मापदंडों से बनाए गए हैं। नाप तोल तो ऐसी की गई है जैसे कंप्यूटर वाला कांटा। इन पिरामिडों की नाप तोल में एक इंच की भी गलती नहीं की गई है। आखिर इन पिरामिडों के लिए इतनी माथापच्ची क्यों की गई है? मुझे तो शक है रे बाबा, ये एलियन जहाँ से आए होंगे ना, इनका भी घर पिरामिडों की तरह बना होगा। शायद इसी वजह से इतना सटीक बना के गए हैं। मुझे तो ये भी शक है कि एलियन पृथ्वीवासियों का सारा नमक खा गए होंगे, तभी तो एक एक इंच का हिसाब दे के गए हैं। आप समझा मैं खोपड़िया क्यों इतनी चकरा रही थी? अगर ग्रेट पिरामिड ऊंचे दर्जे की मशीन थी, पावर प्लांट की तरह एनर्जी पैदा करती थी, तो इसका जवाब पिरामिड के नीचे छिपी हुई चीजों पर मिल सकता है। 2000 पूर्व में इंजीनियर कैडमैन ने एक थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि इजिप्शियन पास में बहती नील नदी से ग्रेट पिरामिड के नीचे बने कमरे में पानी भेजते थे। इसी पानी के भराव से पिरामिड के नीचे ढेर सारा हाइड्रोलिक प्रेशर बनता था, जिसकी वजह से पूरा पिरामिड वाइब्रेट करने लगता था। जांच से पता चला था कि जमीन के नीचे वाटर इरोजन के निशान भी मिले हैं, और ये निशान दीवालों पर भी थे। ऊपर की टूटी छत को देखने से पता चलता है कि इससे कंप्रेशन वेव टकराती होंगी, और इन कंप्रेशन वेव से हाइड्रोलिक पल्स पैदा की जाती होंगी। इंजीनियर किस डर मानते हैं कि इस कमरे में बनी उन दो सुरंगों में इसका जवाब छिपा है, जिसे लोग किंग चेंबर कहते हैं। इन दो सुरंगों से उत्तरी सुरंग से आने वाला पहला केमिकल हाइड्रेटेड जिंक था। दक्षिणी ध्रुव से आने वाला दूसरा केमिकल डाइल्यूट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये दोनों केमिकल उस सुरंग की दीवार में पाए गए हैं। ये दोनों केमिकल पिरामिड के बाहर से डाले जाते थे। दोनों केमिकल सुरंगों के माध्यम से आकर क्यून चेंबर में मिक्स होते थे। इससे कंबस्शन होता था। आप इसे घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसा डिब्बा लीजिए जो कुछ इस तरह का हो, जिसमें तीन नलियाँ हों। एक नली में डालिए हाइड्रेटेड जिंक, दूसरे में डालिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप दोनों को बंद कर दीजिए, अब होगा जादू यानी रिएक्शन। इस रिएक्शन में बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। ये रहा इस रिएक्शन का जादू, थाना कमाल का जादू। इससे भी कमाल का जादू इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे छिपा है। दबा के तो देखो, फिर देखो कैसे खुलता है गीजा की मिस्ट्री का राज। दबा लिया ना? चलो अब चलते हैं मिस्ट्री की तरफ। इसी रिएक्शन की तरह बिल्कुल हिडन चेंबर से निकलकर हाइड्रोजन गैस किंग चेंबर से किंग चेंबर तक जाती थी। जमीन के नीचे बने कमरे से पैदा होने वाली वाइब्रेशन हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देकर उनसे माइक्रोवेव एनर्जी बीम बनाती थी। इसके सबूत किंग चेंबर में मिले हैं। वहां पर हाइड्रोजन के अक्ष भी मिले हैं। और हाँ, किंग चेंबर में भी एक सुरंग थी जो 8.4 और 4.8 की लंबाई चौड़ाई वाली थी। ये माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन के माध्यम से स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन वेव गाइड के लिए बिल्कुल सही एम करेक्ट थी। कुछ इन तरीकों से उस समय के लोग हाइड्रोजन का यूज करते थे। इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखकर तो यही लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे पूर्वजों को था? अगर ऐसा था तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए? जब वो पिरामिडों को इतना पावरफुल शक्तिशाली बना सकते थे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं बचा पाए? क्या वजह रही होगी? खैर जो भी हो, बट कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल था। इसकी काबिलियत और हुनर की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों बस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को भी दबा के घंटी वाले आइकन को भी ऑल में सेट कर देना। थैंक यू।